नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स पर नए प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। विद्यालय नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी सियातप का शुभारंभ किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा टिकाऊ आवास के लिए लक्षित भवन निर्माण ऊर्जा दक्षता में नई पहलें आरंभ की गई हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत वितरण संस्थाओं की 9वीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग जारी की। और खबरें विस्तार से। शोधन अक्षमता समाधान पेशेवरों यानी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स पर नए प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। ये बदले हुए मानदंड भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में द्वितीय संशोधन विनिमय 2021 का हिस्सा है। ये बोर्ड कॉर्पोरेट पर्सन्स के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया निर्धारित करता है। अब नए मानदंडों के तहत दिवाला पेशेवरों के कॉर्पोरेट देनदार या अन्य हितधारक के साथ किसी भी प्रकार के संबंध होने की अनुमति नहीं है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने अंतरिम समाधान पेशेवरों और समाधान पेशेवरों को किसी अन्य पेशेवर को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया है ताकि वे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता कर सके। इसकी अनुमति कुछ शर्तों के अनुपालन के बाद ही दी जाएगी, जैसे कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के नातेदारों और कॉर्पोरेट देनदारों के पिछले 5 वर्षों के लेखा परीक्षक की नियुक्ति पर स्पष्ट प्रतिबंध आदि। इन नियमों का महत्व ये होगा कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यापार व्यवहार सुनिश्चित होगा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के कामकाज में हितों के संभावित टकराव का निवारण होगा। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कॉर्पोरेट देनदारी की शोधन अक्षमता संबंधी मामलों के समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है, जो कि इन समाधानों के लिए 330 दिन का समय निर्धारित करती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना IBC के तहत वर्ष 2016 में संहिता के कार्यान्वयन के लिए की गई थी। ये संहिता सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तिगत इकाइयों के पुनर्गठन एवं शोधन अक्षमता समाधान से संबंधित कानूनों को शामिल और संशोधित करती है। विद्यालय नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम सियातप का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की साझेदारी में शिक्षा मंत्रालय ने नवोन्मेष प्रकोष्ठ द्वारा डिजाइन किया है। ये स्कूली शिक्षकों के लिए अभिनव प्रकृति का अपनी तरह का एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूली शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजाइन थिंकिंग आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन प्रशिक्षित शिक्षकों को नवाचार दूत के रूप में नामित किया जाएगा। इसका महत्व ये है कि ये जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगी और इससे बच्चों में रचनात्मकता का सृजन होगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जो विद्यालय स्तर पर समस्या समाधान और समालोचनात्मक विचारशीलता के लिए युवा छात्रों के पोषण पर बल देती है। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जैसे जनजातीय बच्चों को यथासंभव सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सियातप से अत्यधिक लाभान्वित होंगे। समग्र शिक्षा सभी स्तरों पर एक समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयी शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल निष्ठा, ये प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार के लिए सबसे व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा टिकाऊ आवास के लिए लक्षित भवन निर्माण ऊर्जा दक्षता में नई पहलें 2021 आरंभ की गई। ऊर्जा दक्षता का मतलब है किसी कार्य को करने के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा का उपयोग करना यानी ऊर्जा की बर्बादी को समाप्त करना। इस योजना के तहत कई पहलें आरंभ की गई हैं। भवन निर्माण सेवाओं के लिए संहिता अनुपालन दृष्टिकोणों और न्यूनतम ऊर्जा उपभोग आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना, इको निवास संहिता 2021 से संबद्ध सत्यापन ढांचा, सीखने के साधन के रूप में एक वेब आधारित मंच, ऊर्जा दक्ष मकानों के लिए ऑनलाइन स्टार रेटिंग, 15,000 से अधिक वास्तुकारों, इंजीनियरों और सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण। भवन निर्माण क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के बाद भारत में विद्युत का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, साथ ही इसके वर्ष 2030 तक सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला क्षेत्र बनने की भी संभावना है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता यानी ECBC संहिता वर्ष 2017 में जारी की गई थी। ये संहिता 100 किलोवाट का
का कनेक्टेड लोड या 120 किलोवाट और उससे अधिक की अनुबंधित मांग वाले वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करती है। इको निवास संहिता 2018 आवासीय भवनों के लिए एक ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता ECBCR है। इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इसका उद्देश्य मकानों, अपार्टमेंट एवं टाउनशिप के डिजाइन और निर्माण में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देकर वहां के निवासियों तथा पर्यावरण को लाभ पहुंचाना है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो वर्ष 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण से संबंधित नीति एवं कार्यक्रम को लागू करना है। अगली खबर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। भारत ने ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है। इस आयोजन का उद्देश्य वैश्विक श्रम बाजार पर COVID-19 के प्रभाव पर विचार विमर्श करना और ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों पर सहमति प्रकट करना है। बैठक का महत्वपूर्ण पहलू ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों के घोषणा पत्र को अपनाना था। इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें शामिल है ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को प्रोत्साहन देना, श्रम बाजारों का औपचारीकरण, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक। आइए बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन। इन देशों के नेताओं की प्रथम बैठक जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद ब्रिक्स समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स रख दिया गया। अब इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल कर दिए गए। ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करने वाला मंच है। इस समूह की वैश्विक आबादी में 41%, वैश्विक GDP में 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक की हिस्सेदारी है। विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत वितरण संस्थाओं की 9वीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग जारी की। ये रेटिंग इकरा यानी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एनालिटिक्स लिमिटेड और केयर एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड द्वारा की गई। आपको बता दें कि एनालिटिक्स लिमिटेड इकरा रेटिंग्स और एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड केयर की परामर्शी शाखाएं हैं। इसका उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वितरण संस्थानों को ऋण प्रदान करते समय जोखिम का आकलन करने में सहायता करना है। इस रैंकिंग का प्रभाव पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉप लिमिटेड सहित राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों से लिए जाने वाले ऋणों पर पड़ेगा। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों का घाटा वित्तीय वर्ष 2020 में एक तिहाई से अधिक घटकर 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। क्रय की गई विद्युत की लागत, आपूर्ति की औसत लागत और वितरित की गई विद्युत की लागत यानी औसत प्राप्ति योग्य राजस्व के बीच अंतर कम हो गया है। गुजरात में 4 और हरियाणा में 1 यानी कुल मिलाकर 5 वितरण इकाइयों ने परिचालन, वित्तीय और विनियामक मानकों के लिए रेटिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। डिस्कॉम्स के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय। ये वर्ष 2015 में स्वीकृत योजना है। इसके तहत डिस्कॉम के वित्तीय रूपांतरण की परिकल्पना की गई है। दूसरा है आत्मनिर्भर डिस्कॉम पैकेज, विशेष दीर्घकालिक संक्रमण ऋण प्रदान करके REC और PFC के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी प्रदान की गई है। सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना आरंभ की गई है। इस रेटिंग और रैंकिंग के तहत 80 से 100 के बीच अंक आने पर किसी भी कंपनी को A+ ग्रेड दिया जाता है। ऐसी संस्थाओं की संख्या 5 है। ये अत्यधिक उच्च संचालनीय एवं वित्तीय प्रदर्शन क्षमता वाली कंपनियां होती हैं। 65 और 80 के बीच यदि अंक है तो उसे A ग्रेड में रखा जाता है। ऐसी संस्थाओं की संख्या 3 है। ये उच्च संचालनीय और वित्तीय प्रदर्शन क्षमता वाली होती हैं। 50 से 65 अंक वाली कंपनियां B+ श्रेणी में रखी जाती हैं। इन संस्थाओं की संख्या 10 है। ये संस्थाएं मध्यम संचालनीय और वित्तीय प्रदर्शन क्षमता वाली होती हैं। 35 और 50 के बीच यदि अंक है तो उसे बी ग्रेड में रखा जाता है और ऐसी संस्थाओं की संख्या 6 है। ये संस्थाएं संचालनीय और वित्तीय प्रदर्शन की औसत से कम क्षमता वाली होती हैं। 20 से 35 अंक वाली संस्थाएं C+ ग्रेड में रखी जाती हैं। ऐसी संस्थाओं की संख्या 9 है। ये संचालनीय एवं वित्तीय प्रदर्शन की निम्न क्षमता वाली होती हैं। वहीं 0 से 20 अंक वाली संस्थाएं सी ग्रेड में रखी जाती हैं। इनकी संख्या 8 है। ये संचालनीय और वित्तीय प्रदर्शन की अत्यधिक निम्न क्षमता वाली कंपनियां हैं।
आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अमेरिका भारत व्यापार परिषद। वित्त मंत्री ने अमेरिकी निवेश के वैश्विक गंतव्य के रूप में भारत के सतत और समावेशी विकास में वृद्धि पर USIBC के वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अमेरिका भारत व्यापार परिषद का गठन वर्ष 1975 में बिजनेस एडवोकेसी संगठन के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के निवेश प्रवाह को बढ़ाना और उसे प्रोत्साहित करना है। ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों को जोड़ती है, साथ ही व्यावसायिक चुनौतियों के स्थायी समाधान को भी प्रेरित करती है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC। एशिया प्रशांत व्यापार समूह के नेताओं ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए COVID-19 टीकों के साझाकरण और निर्माण का विस्तार करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। APEC यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग वर्ष 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत की एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता का लाभ उठाना है। इसका उद्देश्य संतुलित, समावेशी, सतत, नवाचारी और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाकर क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक समृद्धि सुनिश्चित करना है। APEC में 21 सदस्य हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है। अफ्रीका ओपन डील, पर्यावरण, कृषि और भूमि के लिए डेटा पहल। इस पहल ने अफ्रीका को सटीक, व्यापक और सामंजस्यपूर्ण भूमि उपयोग और भूमि उपयोग परिवर्तन डिजिटल डेटा के संग्रहण को पूर्ण करने वाला प्रथम महाद्वीप बना दिया है। डेटा संग्रहण और विश्लेषण पहल का नेतृत्व खाद्य एवं कृषि संगठन तथा अफ्रीकी संघ आयोग द्वारा किया जाता है। इसने पहली बार वनों के बाहर 7 अरब वृक्षों का प्रकटीकरण किया तथा पहले की तुलना में अधिक वनों और कृषि योग्य भूमि का प्रकाशन किया है। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, क्षेत्रीय संपर्क योजना। नागर विमानन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात तक हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 8 नए मार्ग अभी निर्धारित किए हैं। उड़ान योजना राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का एक प्रमुख घटक है। ये विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है। इसके तहत एक बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से छोटे शहरों और कस्बों को देश के हवाई मानचित्र पर लाकर क्षेत्रीय संपर्क को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है। प्राथमिकता क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय राज्य और द्वीप। उमंग ऐप, उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से उमंग ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बना दिया है। उमंग एक एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, बहुभाषी और मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। ये आधार और अन्य एप्लीकेशन जैसे डिजी लॉकर और पे गॉव के साथ सहज एकीकरण प्रदान करता है। मैप माई इंडिया वर्ष 1995 में नई दिल्ली में स्थापित और मुख्यालय वाली एक स्वदेशी कंपनी का उत्पाद है। इसने संपूर्ण देश का डिजिटल रूप से मानचित्रण किया है। चीन का उत्सर्जन व्यापार तंत्र। हाल ही में चीन का राष्ट्रीय कार्बन बाजार यानी विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार तंत्र आरंभ किया गया है। ये उत्सर्जन व्यापार तंत्र बाजार आधारित साधन है जो उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहन उत्पन्न करते हैं। उत्सर्जन व्यापार तंत्र जहां उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करना सबसे वहनीय होता है, वहां उत्सर्जन में कमी को सुगम बनाकर आर्थिक दक्षता में योगदान करते हैं। जिन प्रदूषकों को अपने उत्सर्जन को कम करना महंगा दिखता है, उन्हें उन प्रदूषकों से उत्सर्जन भत्ते यानी एमिशन अलाउंसेस खरीदने की अनुमति है जो कम लागत पर उत्सर्जन कम कर सकते हैं। किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। ये किसानों को उन्हीं की भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाएगा और दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुँच स्थापित करेगा। किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं। ये ICAR के कृषि विस्तार, शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों में अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध होगा। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रही नदियों के बारे में। जल शक्ति मंत्रालय ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों के अधिकार क्षेत्रों के लिए राजपत्र अधिसूचनाएं जारी की। ये अधिसूचनाएं 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए इन 2 बोर्डों को आवश्यक अधिकार तथा शक्तियां प्रदान करती हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में इन नदी प्रबंधन बोर्डों के गठन और इन बोर्डों की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए सर्वोच्च परिषद के गठन का निर्धारण किया गया है।
अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। अमेजॉन बेसिन नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वनों अमेजॉन के वनों ने कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना आरंभ कर दिया है। वनों की अत्यधिक कटाई और वनाग्नि ने इस वन को CO2 के स्रोत के रूप में परिवर्तित कर दिया है। पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फ्रांस संचालन रत विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में INS तबर ने पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट में प्रवेश किया। ताशकंद उज्बेकिस्तान ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संपर्क चुनौतियां और अवसर पर 40 राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री ने संबोधित किया कि संपर्क पहलों को संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए न कि ऋण जाल में फंसाने का कारण बनना चाहिए। गांधीनगर गुजरात प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में भारत के प्रथम पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही भारतीय रेलवे की संपत्ति को आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में बदलने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।